अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सरवत किचन एंड ब्लॉग्स में आप सब की दावत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं चतरा के ही एक और बहुत ही खूबसूरत जगह खेवा। इससे पहले हम लोग गए थे गोवा, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बेटा, गाड़ी है अभी अब्बा चला रहे हैं। अब्बा इस चलाइए। बच्चा लोग भागा देख के गाड़ी, पापा रे पापा, सब बच्चा भाग गया एकदम, छोड़ के अंदर लगा दी इस गेट। सब बच्चा लोग भाग गया। दिस इज कॉल्ड घोरान। घोरान है बेटा, घोरान बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पोआल। पुंज पुंज हुआ ना? कॉपी किया लड़का लोग आपके छोटे वाले से पूछ कर। Oh,
ये देखिए यहाँ बहुत ज्यादा पहाड़ और चट्टान और ये है, तो ये हम लोग की गाड़ी इस तरह से नीचे उतर गई है और गाड़ी ये रहा इस तरह से, गाड़ी ऐसे आई। हम लोग अच्छे खासे रोड पे थे, फिर सनलेबान को लगा थोड़ा साइड में लगाते और उस चक्कर में ये जो हालात हुए हैं। तो अभी जो है तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी है और इस तरह से यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सा सीन है। लेकिन इसके बाद आएगी नदी जिसे हम लोगों को ऐसे चल के क्रॉस करना है। कार उधर शायद नहीं जा सकती है और या फिर इसका कोई दूसरा रूट है, वो थोड़ा लंबा है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अम्मी लोग भी इस पे हैं, इस कार पे अम्मी लोग हैं, तो अम्मी लोग भी अब उतर रही हैं। अच्छा, उतर चुकी हैं सब लोग। ये है नदी आगे में चल के, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। अम्मी अम्मी नीचे मत आइएगा, अम्मी नीचे मत आइएगा, स्लिपरी है बहुत। ये देखिए जबरदस्त नदी है, ये सारा पहाड़ और ये जो चट्टान है ये बहुत स्लिपरी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लिपरी है। आवाज सुनिए, लेकिन बहुत खूबसूरत है ये। ये देखिए इस तरह से है पूरा, और इसे क्रॉस करके आप लोग उधर गई हैं। अब हम लोगों की बारी। इश्क आखरी है तू। ये देखिए नदी के बीच में इस तरह से जो इलेक्ट्रिक पोल होता है उसका वो ये बना हुआ है चलने के लिए, नदी क्रॉस करने के लिए, कि इस तरफ और ये इस तरफ से। Don't come. ये कुछ लोग देखिए घूमकर आ रहे हैं अभी वापस। ये लोग देखिए, ये लोग घूमकर आ रहे हैं उधर खेवा से। यहाँ से हम लोगों को पैदल ही जाना होगा और नहीं तो कुछ बाइक का इंतजाम करना पड़ेगा, बाइक से जा सकते हैं। और ये रही हमारी नदी। जिक्रान को लेकर छोटी अम्मी आ रही हैं इधर। आइए बेटा, वाह, आजा बेटा। One more. Come. Wow. Wow. Okay, Zikran, चलो जल्दी चलो। आजा बेटा। Let's go, Zikku, let's go. बाबा ढेला क्या फेंक रहा? ढेला क्या फेंक रहा? चलिए आ जाइए, आ जाइए। तो ये देखिए ये सारी नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है जिसमें अभी थोड़ा बस उस एरिया में पानी ऐसे जा रहा है और इधर का पानी अभी सूखा हुआ है। कहीं कहीं पे आपको पानी दिख रहा है। जब बारिश अच्छे से होती है और पानी रहता है तो ये सारा छुपा हुआ रहता है और काफी ऊपर तक पानी रहता है इसके। ये पत्थर इस तरह से काट कर वो चल रहा होता है।
ये बेसिकली हम लोग नदी पर ही चल रहे हैं। चलो मिलकर सब ऐसे घूमने के लिए आता नानी बेटा तो सामान उठाना पड़ता है इस तरह से। हम लोग पिकनिक पे आए हैं ना। आयरा रिदा निदा इधर देखो, से हाय हाय। एक एक आदमी पकड़ी ना, हाफ हाफ, एक एक हैंडल पकड़ी ना, लाइए मेरे साइड आइए, हम पकड़ लेते हैं। वाह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब इतना भी आया ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह आगे तो और भी खूबसूरत होगा। कुदरत अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह। मेरे भाई और भतीजा चले आ रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है, बिल्कुल थक गए हैं हम लोग। एक बाइक मिली है तो उससे अम्मी लोग को पहुँचाया गया है, और यहाँ पर है टर्निंग पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे अभी टर्न हो रहे हैं। सीन तो बहुत प्यारा प्यारा है। देखिए बहादुरी ना दिखलाए, पानी यहाँ पे इसमें भी डालने पाता है। ये देखिए किस तरह से पानी जा रहा है, पहाड़ों को चीरते हुए, चट्टानों को चीरते हुए। अल्लाह की शान है, ये कुदरत की शान है। और ये जिक्रान और रिधान आ रहे पे अर्शद जॉब, फरद जॉब, अब बहुत स्लिपरी है यहाँ पे। इरहान भी आ गए हैं यहाँ पर। कहाँ कहाँ लोग जा करके नाम लिख करके आते हैं पहाड़ों में, चट्टानों में। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह चित्रा का खेवा। फिर आएंगे इंशाल्लाह। हम लोग अभी जा रहे हैं खेवा से, और इंशाल्लाह हम लोग फिर से आएंगे खेवा जब भी चित्रा आना हुआ। या आप लोगों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ
कि चतरा आइए तो गोवा, खेवा ये सब जगह ज़रूर घूमने आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सवेरे आइए क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट कर दिया आने में, तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा है क्योंकि शाम हो रही है और शाम से पहले पहले इधर से निकल जाना होता है क्योंकि घना जंगल है। तो अल्लाह हाफिज़ फ़िलहाल के लिए, लेकिन अभी हम लोग आगे मिलेंगे और देखते हैं वहाँ पे हम लोगों को शायद जो नदी मिली थी वहाँ पर बैठकर हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे। तो फिर मिलती हूँ। ये चरवाहे लोग आए हुए हैं अपने गाय भैंस को जंगल में लेकर, और ये उसकी ही प्यारी प्यारी सी घंटी की आवाज़ है। हे बस गाय भैंस सब साथ में घूम रही है। डिठोरा दिखाता है इधर, समझे? डिठोरा खाए हो कभी लाइफ में? हम लोग अभी खाए थे, फिर से खाएंगे, है ना शान? खाए थे ना बेटा? डिटोरा होता है छोटा छोटा, बैर के ज़माने में ही होता है वो, ठंड के मौसम में ही। तो बैर का पेड़ थोड़ा अंदर है और जंगल में जाने में डर लग रहा है, तो हम लोगों ने वो खाया अभी एक दो तोड़कर। अगर फिर मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को कि किसे डिटोरा कहते हैं। ओके, ये देखिए मिल गया डिटोरा का पेड़, और ये है डिटोरा। ये ऐसे तोड़ते हैं इसको, ये दिखाई हाथ में दिखाई चलन, खा जाते हैं। कोई नहीं, उसको खा गए। और भी है ये देखिए, इस तरह से काला काला छोटा छोटा होता है, और इसे तोड़ने पे ये ऊपर का सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका जो बीज रहता है, जो सीड्स रहता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। चलो चलो अम्मी जी। और बैर के पेड़ की तरह ही इसमें कांटा होता है बहुत ज्यादा। ए जिक्रम, तुम उधर से हटो बेटा, और तो ना तो है जिक्रम, चलो चलो बेटा, चलो मम्मा तोड़ रही, चलो बेटा, बहुत डांट सुन रहे हम, नाम सुनाई दे रहा हमको अपना, बेटा फंस गए छोटन, फंस के छोटे आ रहे हैं। हम लोग चलते चलते थक गए हैं, तो यहाँ पे रुक कर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और तीन चार बाइक आ गई, भाई लोग लेकर आ गया बाइक, तो अम्मी लोग को उससे आगे पहुँचा दिया गया है, नदी तक चली जाएंगी अम्मी लोग, फिर हम लोग जाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। हम लोग बाइक का वेट कर रहे हैं, बाइक आ जाएगी फिर हम लोग बाइक पर बैठेंगे। ये बेटी है। हम लोगों के लिए भी बाइक आ गई है, अब हम लोग बाइक पर बैठ जाएंगे और नदी क्रॉस कर लेंगे। हेल्प से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। क्या नाम है तुम्हारा? सागर। सागर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं नदी के पास। संले भाईजन भी आ गए हैं। आपको यहाँ तक पैदल आना? अच्छा, हाँ आप तो यहाँ तक आ गए थे। तो सब छोटे भाईजन और कैफी, ये लोग के जीप में ही सारे बच्चे हैं ये सब, तो इन लोगों को कॉल किया गया, और ये लोग बहुत अच्छे हैं, टाइम पे आ गए और हम लोगों को यहाँ तक इन लोगों ने पहुँचा दिया। बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। सॉरी, सबसे पहले हम लोग निकलेंगे अपने कार की तरफ, क्योंकि इसके बाद भी रास्ता अभी और लंबा है। ना बेटा, हिलना हिलता उसे डरिए नहीं, ये बहुत मजबूत है। चलिए आ जाइए, तो अब इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड।
मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।